पाकिस्तान में अचानक एक बार फिर पीएम मोदी की चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों को पीएम मोदी का इतना खौफ है कि उन्होंने ऊट पटांग बयान देने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार खालिद अहमद किदवई ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर कट्टरपंथी होने का आरोप लगा दिया है। खालिद अहमद किदवई ने कहा कि भारत में न्यूक्लियर हथियारों की ताकत अब हिंदू कट्टरपंथियों के हाथ में है, जिसकी वजह से क्षेत्र में सामरिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। किदवई ने आगे कहा कि भारत में परमाणु ताकत से संबंधित कमांड कंट्रोल और ऑपरेशनल फैसलों की जिम्मेदारी इंडियन नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास है। इस अथॉरिटी के राजनीतिक परिषद की कमान पीएम मोदी के हाथ में है तो कार्य परिषद की कमान अजीत डोभाल के हाथों में। डरते हुए किदवई ने आगे कहा कि भारत सरकार के कुछ मंत्री आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। किदवई ने बोला कि पीएम मोदी परमाणु इस्तेमाल को लेकर हमेशा आक्रामक रुख में दिखते हैं, लेकिन अहमद किदवई को ये कौन बताए कि बात बात पर एटम बम की धमकी पाकिस्तान देता है, भारत नहीं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के रेल मंत्री रह चुके शेख रशीद ने तो यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान के पास 125 से 250 ग्राम तक के छोटे परमाणु बम हैं, जो भारत में खास निशाने पर हमला करने में सक्षम हैं। शेख रशीद भावनाओं में इतना बह गए कि उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के परमाणु बम असम तक पहुंच सकते हैं और हमारे परमाणु हमलों से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए शेख रशीद को छोड़िए, वापस आते हैं पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई पर। किदवई ने एक बात और कही, ये बात आपको जरूर सुननी चाहिए। किदवई बोले कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल का क्रैश होना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने कहा कि ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, क्योंकि किसी भी मिसाइल को बिना बड़े नेताओं की अनुमति के बिना लॉन्च ही नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ये दावा पाकिस्तान कर रहा है। भारत तो बोल चुका है कि ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान की सीमा में जा गिरी थी।